गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं गुरुनामग्रहतारकम् वंदे मुकुंदमरविंदगदायताक्षं वंदे मृदुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंद्रकोद्भासितरणं विकसितनलिनाशयं स्फुरन्मन्दहासिं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणमृङ्गफलादरोष्ठात् सुंदर मुखादरविंदने कृष्णा परम चंद्र तत्वाने। अपनी छोटी बहन देवकी को विवाह के अनंतर पहुंचाने के लिए कंस जा रहे हैं और बहन प्रसन्न हो इसलिए स्वयं घोड़ों के लगाम हाथ में ले ली। परंतु जब आकाशवाणी हुई तब ये सारा स्नेह कंस का बह गया। इसके बाद कंस ने तलवार निकाल ली और बहन की चोटी पकड़ ली उसे मार डालने के लिए। वसुदेव जी सहम तो गए पर घबराए नहीं, बड़े बुद्धिमान विपत्ति में धीर्ज रखने वाले। उन्होंने बुद्धिमानी से काम लेना शुरू किया और कंस की तारीफ की। आप बड़े श्लाघनीय गुण हैं, भोज वंश के यश बढ़ाने वाले हैं, बड़े शूरवीर हैं। कंस कुछ बोला नहीं, रुक जरूर गया बधाई सुनकर। उसके बाद इन्होंने जगत की नश्वरता, शरीर की नश्वरता इत्यादि बताना शुरू किया। वैष्णव पोषणकार कहते हैं कि भाई ये वसुदेव जी महाराज जो रहे ये बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे, तो ये ऐसी भाषा में बोले कि जिसमें कंस को तो अपना गुण वर्णन दिखाई दे और सचमुच गुण वर्णन हो नहीं दोष वर्णन हो। तो ये थोड़ा सा संक्षेप में वो कहते हैं कहा भाई भगवान शूर ही श्लाघनीय गुणा, तो उसका यूं करते हैं शूरई ये श्लाघनीय तेषां गुण गौणम निकृष्ट इत्यर्थ। तो कहते हैं कि कंस वीर वीर लोग, शूरवीर लोग जिनके गुणों का गान किया करते हैं उनके सामने तुम अत्यंत तुच्छ हो। दूसरी बात की भोज यश करह, भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले, तो किसी वंश में कोई ऐसा दुष्ट निकल जाए जिसके द्वारा बुरे कर्म हो तो उसके पिछले जो हैं उनका गुण बढ़ जाए, तो वो तो कितने अच्छे थे पीछे वालों को अच्छा कहला देता। तो भोग विशेष तरह तुम जो इतना पाप कर्म न करते तो उन भोज वंशियों की इतनी बड़ाई कर सकती है, वो तुम कितने अच्छे थे, कितना दुष्ट निकला। और तो तुम भोज वंश में कलंक हुए तो भोज वंशियों की प्रशंसा हुई। और सकथम भगनी हन भगनी महनी आप
अरे वो एक बहन को ही काम आ रहा है जो प्यारा ही है वो तो सारी भोजवंश का नाश कर देना चाहिए था उसको, बहन को मारनी कौन सी बात। तो इस तरह से इन्होंने ये बड़े सुंदर सुंदर इनके भाव है, पर वो भाव सब दिखाए जाए तब तो एक दो श्लोक की रोज हो अधिक हो नहीं। तो ये वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, स्वप्ने यथा पशुक देह निदृशम मनोरथे नाभ निविष्ट चेतसः दृष्टश्रुताभ्याम मनसा अनुचिंतयन प्रपद्यते यत् किमपि नृपस्मृतिः। वो कहते हैं कि जैसे जागने के समय जागृत अवस्था में किसी राजा के वैभव को ऐश्वर्य को देखकर अथवा इंद्रादि के ऐश्वर्य की बात सुनकर तो ये अभिलाषा करने लगे मन में और उसका चिंतन करते करते उसी में तन्मय हो जाए, स्वप्न में या ऐसे ही तन्मयता में अपने को राजा अनुभव करने लगे, दरिद्रावस्था को भूल जा, वैसे ही ये जीव जो है ये कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है, पहले को भूल जाता है। तो ये दूसरा शरीर क्यों मिलता है? तो कहते हैं कि यतो यतो धावत दैव चोजतम मनोविकारात्मक माप पंचसु गुणेश माया रचते सुदेहत प्रपद्य मानस सहते न जायते। ये जो जीव का मन है इसमें न मालूम कितने विकार भरे, विकारों का समुदाय है, पुंज है। तो जब मरता है आदमी उस समय ये जो मन में भरे विकार हैं इन विकारों के कारण से, मैंने जो संचित और प्रारब्ध हैं उनके कारण से और उन वासनाओं को लेकर माया से रचित जो पांच भौतिक शरीर हैं बहुत से, इनमें से किसी एक का चिंतन होता है। मैंने दूसरी गति जैसी होनी होती है उसी प्रकार का अंतकाल में मन में चिंतन होता है। तो ये शास्त्रकारों ने बताया कि ये लोग जान सकते हैं इस बात को कि भाई किसकी चेष्टा किससे किसी है, कि बिल्ली किसी है, कि राक्षस किसी है, कि देवता किसी है, भगवान किसी है, और न जान सकते उसके मन में रहती है, उसी के अनुसार अंत में जहाँ उसका मन रहता है उसी के अनुसार गति होती है। इसलिए कहा कि भाई मन में जो विकार भरे हैं ये तो भरे हैं, पर नई चीज ऐसी भरो मन में। एक सुंदर भावना बताई कि भाई देखो किसी गोदाम में खराब माल भरा है, तो ये शंका करे कि भाई जो भरा है मन में वही तो आएगा अंतकाल में। तो कहा भाई भरा है वो तो भरा है, वो तो जब तक उसमें आग लग करके जल न जाए तब तक वो तो रहेगा ही, पर नया ऐसा भरो कि जिसमें फुरना उसकी पहले हो जाए। गोदाम में से जो माल निकाला जाता है तो सबसे पहले वो निकलता है जो सबसे आगे भरा हुआ हो, सबसे बाद भरा हुआ हो। तो नए संस्कार देवता के भरो, भगवान के भरो, तो अंतकाल में मन में जहां भगवान का उदय हो जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये नियम बताया कि संस्कारों के पुंज जो भरे हैं इनको लेकर के जिस जिस शरीर की कल्पना होती है और वो मानता कि मैं ये हूँ, कहता नहीं, इस प्रकार की उसकी एक संकल्प की धारणा बन जाती है और बस उसी को लेकर के, उसी शरीर को लेकर के जन्म लेता है। तो ये जन्म जो होता है ये जन्म आकस्मिक नहीं होता, संस्कारों के अनुसार अंत में भावना होती है और अंतिम भावना के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। जिसका मन अंत में भगवान में रहा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। बड़ी सुंदर बात गीता में भगवान ने बताई, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मरता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो
अंतकाल में स्मरण कौन करेगा जो उन संस्कारों को भरे। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं कंस से कि भाई देखो ये शरीर तुम्हारा है, बच भी जाएगा तो बचेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। और उस समय जैसी तुम्हारे मन में भावना रहेगी जिस शरीर की, वही तुम्हें प्राप्त होगा। तो क्या आत्मा में कोई दोष आ गया? वो नहीं, आत्मा में नहीं आता दोष, वो तो निर्विकार जैसा है वैसा ही रहता है। तो उदाहरण देते हैं कि ज्योति यथोदक पार्थिवेश्वर समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं समाया रचित स्वरूपमान गुणेश राधानुगतो विमोह्यते। जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा आदि जो चमकीली वस्तुएं हैं, जल में भरे हुए घरों में उनकी वो प्रतिबिंबित होती है तरल पदार्थों में, और जब हवा का झोंका आता है तो वो जल हिलता है, जल हिलने के साथ वो प्रतिबिंब भी हिलता है। वास्तव में प्रतिबिंब हिला नहीं, वो जो चीज थी जिसका वो प्रतिबिंब है वो हिला नहीं। कहते हैं प्रकृतिस्थ पुरुष जीव संज्ञा। तो अज्ञान से शरीर में राग करके जो उसको अपना मान बैठता है, उसको ऐसा भान होता है मोहवश कि मैं आता जाता हूं, मेरा परिवर्तन हो गया, शरीर बदल गया। तो भाई कंस, तुम यदि इस समय विरोध करोगे, बैर करोगे, तो अंतकाल में यह बैर ही याद रहेगा, राक्षसी भाव रहेगा, तो दुर्गति। तस्मा न कसिचित द्रोहम आचरिय तथा आत्मन क्षिम मन विच्छन दुर्धुर्वयी करते भयम। जो भी कोई आदमी अपना आत्म कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, अपना आगे चल करके सुख चाहता है, मंगल चाहता है, उसके लिए ये कर्तव्य है कि वो किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से बैर न करे, द्रोह न करे। सबसे पहली बात, अद्वेष्टा सर्वभूतान, किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से बैर न करे अपना कल्याण चाहने वाला आदमी। उसमें बड़ी भारी हानि है। एक तो अगर वो जीवन में बैर करेगा तो उस बैरी से उसको जीवन भर आशंका रहेगी, भय रहेगा। प्रेम करने पर तो आश्वासन रहेगा कि ये हमें बचावेगा, और बैर करने पर भय रहेगा कि ये मार देगा। तो जीवन में तो शत्रु से भयभीत रहना पड़ेगा, और मरते समय याद रहेगा ये बैर भाव का राक्षसीपन ही, लोग बिगड़ेगा, वहां भयभीत होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्राणी से, किसी भी कारण को लेकर, लोभ से, काम से, क्रोध से, किसी भी कारण को लेकर किसी भी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। और फिर अंत में वो ये याद दिलाता है, कहीं ज्ञान की बात न लगे स्नेह कहीं उमड़ी आवे, ऐसा सवा अनुजा बाला कृपणा उत्ते को उपमा। बहुत छोटी थी देवकी जी कंस की अपेक्षा, बेटी के समान ही थी, छोटी उम्र थी। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखिए ये आपकी छोटी बहन और लड़की है, और बड़ी दीन है, ये कोई आपका सामना नहीं कर सकती, आप मार देंगे तो मर जाएगी, ये कोई प्रतिकार नहीं कर सकती, और आपकी तो बेटी के समान है। तो हम तुम नारस कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सल है, आप शरीर के जो दीन वत्सल हैं, दीनों के प्रति स्नेह करने वाले, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की कल्याणी बिचारी गाय है, तो इसका वध नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जहां स्वार्थ आया हुआ रहता है, और जहां स्वार्थ बस मन में पिशाच बैठ जाता है, वहां आदमी अपना पराया नहीं देखता, और उसके मन में दया का उदय नहीं होता।
वो स्वार्थ उसको क्रूर बनाए रखता है। एवं सांझो भेद ही बोध्यमानों की दारुण न निवर्तित कौरवीय पुरुषाराम अनुव्रत। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने बड़ी तारीफ करके सामनीति से और परलोक का यहाँ का भय दिखाकर भेद नीति से भी बड़ा समझाया उसको। दूसरा आदमी होता तो समझ जाता, परंतु जो दारुण था, बड़ा कठोर था, राक्षसों का अनुयायी था ना, बड़ा क्रूर रहा, तो इसलिए न उसने तलवार रखी और न बाल छोड़े। संकल्प अपना परित्याग नहीं किया, समझते हो गया, तलवार चलाई तो नहीं पर संकल्प छोड़ा नहीं। निर्बंधम तस्य संज्ञात्वा विचिन्त्यानक बिन्धुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढमिदं तत्रान्युपद्यत। समय पर जो बुद्धिमानी से काम ले वही बुद्धिमान है। वसुदेव जी ने देखा कि इसका जो ये निर्बंध है, हठ है, ये तो छूटने वाला है। ये किसी उपदेश से, किसी अच्छी सलाह को मान करके या भय से ये अपने हठ छोड़ दे, ये तो संभावना है नहीं। तो सोचा कि भाई एक बार संकट चल जाए ये उपाय करें, किसी तरह से एक बार संकट चल जाए तो पीछे देखा जाएगा। ये सोच ये उन्होंने मन में विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि भाई मृत्यु बुद्धिमता को यो यावत बुद्धि बलोदयम युद्ध सब न बरते थे नापराध हो सके। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि जहां तक उसकी बुद्धि उसका बल काम दे वहां तक मौत को टालने की चेष्टा करे, मौत को टालने की चेष्टा करे बुद्धि से बल से किसी प्रकार से भी जहां तक भगवान बुद्धि दे। और इसके बाद भी अगर मौत न टले तो इसका कोई दोष नहीं, अपनी जान में चेष्टा करने में त्रुटि न रखे। तो ये कंस तो अभी मारी जाएगा, उपाय करना चाहिए। तो प्रदाय मृत्यु में पुत्रान मोचे कृपना इमाम सुता में जाए रन मृत्यु व न मिलते। बोले भाई अब तो एक उपाय है, इस कंस के सामने प्रतिज्ञा कर ली जाए कि मेरे जो पुत्र होगा वो तुम्हें दे दूंगा, तुम मार डालना। तो इस उपाय से शायद ये मान जाए और लड़के होंगे तब तक ये कंस भी जिएगा कि मर जाएगा कौन जानता है, देखा जाएगा तब तक क्या होगा। विपर्य होगा न तुम शायद गजे धातु दुरुस्ती उपस्थित हो निवृत्ति होते निवृत्त पुनरावत बड़ी संभव उल्टी चीज हो जाए, ये मारना चाहने वाला ही मर जाए या मेरा वो लड़का ही ऐसा निकले उसे मार डाले। विधाता का विधान कौन जान सकता है। तो इसीलिए मौत कभी कभी सामने आकर के भी चल जाती है और चली हुई मौत भी फिर लौट जाती है, कौन जानता है। तो अग्निर यथा दारु वियोग योग योर अभिष्टो चिन्ह निमित्त मस्ति एवं निर्जंतोर की दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। जब किसी वन में आग लगती है तो उस समय ये नहीं जाना जाता कौन सी लकड़ी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी। होता है बहुत ऐसा कि दूर वाली तो जल जाती है नजदीक वाली रह जाती है। इन सब बातों को सिवा अदृष्ट के कोई इसका कोई कारण नहीं है। तो इसलिए कौन से प्राणी का किस प्राणी कौन सही रहेगा किस हेतु से वो जाएगा इसका पता लगा लेना बड़ा कठिन है। एवं विमृश्य तम पापम यावदात्म दर्शनम मुझे आमास वही शौर्य बहुमान पुरस्कार प्रसन्न वदनाम भोजो निशंसम निरपत्रपम मनसा दीयमायन व्यसन अभ्रंत। बड़े बुद्धिमान वसुदेव जी ऐसा निश्चय किया उन्होंने और बड़े सम्मान के साथ
स्वाति संस्कृति फिर प्रशंसा की, इसलिए कि कहीं इस प्रस्ताव को भी टाल न दे, कहे भाई तुम न मालूम दोगे या नहीं दोगे, तो उसकी तारीफ की बड़े सम्मान के साथ, उसकी बड़ी प्रशंसा की, तू गया माफ कोई बड़ी प्रशंसा की, बड़ा उसको मान लिया। परंतु उन्होंने सोचा कि इस समय काम निकालना है, व्यसन हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कारण नहीं इस प्रकार की अपने मुंह की भंगिमा बनाकर वसुदेव जी ने कहा, निहस्यास्ते भयम सौम्य यद वागा शरीरणि पुत्रा स्मरती शेष्या यतस्ते भय मुस्थित। कंस जी आप बड़े सौम्य बड़े दयालु हैं, है अत्यंत क्रूर और कहते हैं सौम्य, आज बड़े सौम्य हैं, जैसे कोई इसमें श्लेष भी है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे समान कौन दयालु होगा जो जो बहन को भी मारता है। तो सौम्य हे सौम्य, सोचो आप आकाशवाणी ने क्या कहा था, देवकी का बेटा आठवां मारेगा, गर्भ मारेगा, यही कहा था ना, देवकी मारेगी तो कहा नहीं, तो इसलिए देवकी से तो आपको भय है नहीं, ये तो आपको मारेगी नहीं, भय है इसके पुत्रों से। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं इसके पुत्र पैदा होते ही मैं आपको लाके सौंप दूंगा, जहां इसके बेटा हुआ मैं आपको लाके दे दूंगा। श्री शुकवाच चतुर्वधान्यवृत्ते कंसस्तद्वा प्रसारयत् वासुदेवोऽपि तं प्रीत प्रशस्य प्राविशद्गृहम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस ये जानता था, मैंने वसुदेव जी का इतना वहां पर यश फैला हुआ था, लोग सब जानते थे कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो कंस जहां स्वार्थवश बड़ा क्रूर था, वहां उसके मन में ये विश्वास भी था कि वसुदेव जी झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, ये जो कह देंगे सत्य कहेंगे। तो सर्वाच सारवत कंस जानता था कि ये वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने जो कुछ कहा बाजी है देव के संगत, देव की से तो भय है ही नहीं, भय किसके लड़कों से है, तो उसने कहा अच्छी बात है, लड़कों को देवकी को हम नहीं मारेंगे, और उसने चोटी छोड़ दी उस तलवार को मान में डाल दी, कहा आप जाओ। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक बार तो मौत चली, इसके बाद देखा जाएगा। तो उन्होंने पुत्रान कहा, आपका नाम नहीं लिया। तो ये टीकाकार कहते हैं कि इनके मन में ये बात रही और भगवान ने इनके संकल्प को सत्य किया कि आठवां मारेगा ना उनको, उसको भी देना नहीं है ला करके, और ये वहां आवेगी बात भगवान ने, भगवान कहेंगे कि भाई तुमको अगर भय हो तो हमको गोकुल पहुंचा दो, और जिनको मारने का भय उनको दे देंगे तो छह दे देंगे, ये मन में रही बात। तो वसुदेव जी प्रसन्न होकर के घर चले गए, कंस लौट गए। अथकाल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रां ससुदेव काष्टौ कन्यां शैवानुवत्सर। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे, वो देवाश्रया थी, देवताओं को भी आश्रया, क्यों कि सारे देवताओं के देवता परमदेव जिसकी कुक्षी में आए लीलावश, वो सारे देवताओं के आश्रय स्थानीय है ही। तो देवकी सर्वदेवता, सर्वदेवता मई देवकी, तो समय आने पर इसके गर्भ से आठ पुत्र एक कन्या हुई, छह पुत्र हुए,
सातवें संकर्षण जो रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिए गए योगमाया के द्वारा, आठवें श्री कृष्ण भगवान का अवतार था ही, और नवी सुभद्रा देवी हुई। ये नौ संतान। तो पहला पुत्र, ये हर वर्ष एक एक संतान हुई। तो पहला जब पुत्र हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान गंधुवे अर्पया मास पिछे सूर्य का गति हुआ। पहला लड़का, उसका नाम था कीर्तिमान। यहाँ संदेह करते हैं कि लड़का को जाते ही दे दिया गया तो नामकरण कब हुआ, तो पूर्व का इतिहास आगे आवेगा, बता देंगे कि ये छह मरीचि के पुत्र थे, उसके बाद ये कालमेघी के पुत्र हुए, उनको साथ लगा था, तो उस समय इसका नाम कीर्तिमान था, तो वो कीर्तिमान ही पहले आया। तो कीर्तिमान जब पहले पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने कहा, भाई देवी देवी के निजी देवी, मन में कष्ट तो हुआ लेकिन बड़ा कष्ट उसको उनको इस बात का था कि कहीं झूठ न हो जाए। अनिता देवी जी बोला है, कहीं हमारी बात झूठ न हो जाए, लड़के का जो परित्याग कर देते हैं, बात झूठ न हो जाए, इसलिए वो लड़के को लेकर के और कंस के पास आ गए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भाई किम दुस्तम साधुना विदुषांश मुखेक्षित किम कार्यम कदरियाना दुष्ट जम किम धृतात्मना। कहते हैं कि जो सत्य को पालने वाले साधु पुरुष हैं उनके लिए कौन सा ऐसा दुख है जो सह न ले, और जो ज्ञानवान हैं विद्वान हैं उनके लिए किस बात की अपेक्षा होती है, और जो नीच पुरुष हैं वे कौन सा ऐसा बुरा काम है जो नहीं कर सकते, और जो धृतात्मना जिन्होंने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है उनको क्या धृतात्मना, ये अर्थ किया वैष्णव कुशनिकार ने अर्थ किया है कि धृतात्मना का अर्थ ये नहीं कि जो उसके मन का संयम कर लिया हो, जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया है वो धृतात्मा है। तो किम दुस्सहम साधु, साधु जो हैं महात्मा भगवान के भक्त, उनके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो वो सहन नहीं कर सकते।